चौथे और अंतिम फेज का मतदान संपन्न हुआ है और इस मतदान के अंतर्गत जो वोटिंग टर्नआउट है बहुत अच्छी स्थिति में, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 73-75 के लगभग जब अंतिम आंकड़े आएंगे तब तक पहुंचेगा। पिछली बार 75% मतदान था, तो इसलिए एक अच्छे मत प्रतिशत के साथ जनता ने मतदान किया है। मैं सभी मतदाता भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मतदान कर्मियों को जिन्होंने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराया है, शासन प्रशासन को, और वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर, शासन प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, मीडिया के मित्रों ने, तो सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने लोकतंत्र के महापर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक आपका डाला हुआ एक वोट भारत के देशित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी वोट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आज का मतदान अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसलिए पुनः एक बार सभी मतदाता भाई और बहनों का धन्यवाद। मुझे विश्वास है ये जो मतदान हुआ है, इस मतदान के अंतर्गत वोट शेयर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश की जनता 29 की 29 सीटें जीत करके जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आज तक के इतिहास का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसलिए मैं पुनः एक बार सबका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करूँगा।